अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं रेनाला खुर्द से। हमारे नुमाइंदे इमरान खुशी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के बचने की आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs इन पर अमल किया जाए। मुसीबत की इस घड़ी में हम अपने गरीब भाइयों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन मार्केट कमेटी जहीर बाबर चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, आए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब और PTI के मरकज़ी रहनुमा और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुरदार साहब और पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ के सूबाई वज़ीर पीर मुर्शद सैयद शमशाम अली शाह बुखारी साहब, जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, बल्कि मेरे तमाम दोस्तों ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे ज़िला अकवाड़ा में तहसील नाला खुर्द में मुझे मार्केट कमेटी नाला खुर्द का चेयरमैन मुंतखब किया। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विज़न के मुताबिक इसको सामने रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मार्केट कमेटी नाला खुर्द के अमूर सर अंजाम देता रहूँगा। मार्केट कमेटी नाला खुर्द की तरफ से न्यू सब्ज़ी मंडी व फल मंडी नाला खुर्द में शिकायत सेल कैम किया गया है ताकि लोगों को रमज़ान अल मुबारक के महीने में रिलीफ दिया जा सके। मैं कमीशन एजेंट्स न्यू सब्ज़ी मंडी व फल मंडी रिनाला खुर्द से दरख्वास्त करता हूं कि वो गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs पर अमल करें। मेरी पूरी पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल तआवुन करें। हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि इसका मुकाबला करना है। एहतियात ही कोरोना वायरस का इलाज है और हुकूमत पंजाब ने कारोबार खोलने के लिए जो SOPs जारी किए हैं, हम सबको चाहिए कि इन पर अमल करें ताकि कोरोना वायरस जैसी मुजी मरज से बचा जा सके। आखिर में मैं तमाम मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुसीबत की इस घड़ी में हमें हर खबर से बाखबर कर रहे हैं।